एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना होने वाली है लेडीज स्पेशल, मैरिड वुमेन के लिए ज्यादातर ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ अपने ब्लाउज के डिजाइन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज अपनी 5 ब्लाउज की डिजाइन शेयर करूंगी। ये मेरे ब्लाउज कलेक्शन का पार्ट 1 है। इसमें मैंने सिर्फ रैंडम से ब्लाउज जो मुझे सामने दिखे वही मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो जिनको ना अलग अलग तरह के डिजाइन के ब्लाउज पहनना पसंद है उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये मुझे काफी मोटिवेट करता है। और आप ना इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ही मेरी ये वीडियो पहुंच सके और हमारी यूट्यूब की फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो जाए और हमारा ना बॉन्ड और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं जो भी इसमें ब्लाउज की डिजाइन दिखाऊंगी उनकी ना मैं पिक साइड में इंसर्ट कर दूंगी, मे बी अगर आपको डिजाइन पसंद आए तो आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहे मेरे 5 ब्लाउज। तो सबसे पहले मैं अपने सबसे फेवरेट डिजाइन ब्लाउज की डिजाइन से स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरा ग्रीन कलर का साड़ी का ब्लाउज। मैं ब्लाउज दिखाऊंगी ना, सबके जो नेक है वो छोटे हैं, बिकॉज मुझे ना बड़ा नेक पसंद नहीं है पहनना। तो फर्स्ट ब्लाउज ये है, इसका नेक आगे से बोट है, प्लेन है, देख सकते हो आप। स्लीव्स हैं वो मेरी यहाँ एल्बो तक मैंने सिलवाई हुई है। मुझे ना लॉन्ग स्लीव्स पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, वैसे भी ना इस टाइप की साड़ियों उनके ब्लाउज के साथ ना लॉन्ग स्लीव्स अच्छी लगती हैं ज्यादा। इस समय फैशन में भी वो ज्यादा इन है। और ये देख सकते हैं आप पीछे ना, पीछे ये गोल गला है और यहाँ से ना पूरा पोटली की डिजाइन है, आप देख सकते हो। मैंने पीछे बैक नेक पे भी यहाँ पोटली की डिजाइन डलवाई हैं और ये पूरे बैक में मैंने पोटली की डिजाइन डलवाई हैं। एक सेकेंड दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हो आप। और ये ना ब्लाउज यहाँ नीचे से देख सकते हो आप, थोड़ा सा आगे की अपेक्षा पीछे छोटा है और उसमें यहाँ पे मैंने दिलवाया है ये डोरी का डिजाइन, देख सकते हो आप। ये यहाँ मैंने 2 डोरियां लगवाई हैं और नीचे ये आप देख सकते हो इसी टाइप के मैंने टैसल्स लगवाए हैं। आप चाहो तो यहाँ लटकन लगवा सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। और ये 2 डोरी है, इसको आप चाहो तो सेपरेट सेपरेट बांध सकते हो या एक में ही करके बांध सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। ये है डिजाइन। और ये ना बीच से पूरा ओपनेबल है, पूरा हुक लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको ये पहनने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। फर्स्ट ब्लाउज का डिजाइन, अगर आपको कौन सा इस 5 में कौन सा डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और सेकंड जो है ब्लाउज ये है वेलवेट का, इसको मैंने वेलवेट की क्लोथ लेके अलग से ही सिलवाया है। वेलवेट के जो ब्लाउज होते हैं ना वो सारी साड़ियों के साथ चल जाते हैं। और ये मैरून कलर या ब्लैक लीजिए आप, ऐसे टाइप के ना आपके पास कलेक्शन होने चाहिए, एक गोल्डन, एक ब्लैक, एक मैरून, ये तीनों कलर ना काफ़ी साड़ियों के साथ जाते हैं। और वेलवेट के क्लोथ पे अगर आप हल्की भी साड़ी पहनेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको ना रॉयल लुक देता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। से लगवाया अलग से, ये प्लेन फैब्रिक ऐसे था, इसमें बस ऐसा डिज़ाइन बना हुआ था। स्लीव्स आप देख सकते हो, ये यहाँ तक की स्लीव्स हैं, क्या बोलते हैं यहाँ तक की स्लीव्स को मुझे नहीं पता, मतलब छोटी वाले से थोड़ी सी लंबी यहाँ तक आती है, ये एकदम एल्बो तक भी नहीं है, यहाँ तक है इसकी स्लीव्स, देख सकते हो। और स्लीव्स पे भी मैंने ये लेस की डिजाइन डलवाई है। ये आगे से गला बोट नेक से थोड़ा सा नीचे है ये गला, और बैक साइड में प्रॉपर वी है, वी, और इस पे भी मैंने लेस की डिजाइन डलवाई है। और यहाँ पे इसका हुक है, ये यहाँ से ये उसका हुक है, वो है ये मेरी सिंपल प्लेन सी साड़ी है, उसका ये ब्लाउज है। इसकी स्लीव्स भी ये यहाँ तक है सेम, ये ना जो पहले वाला ब्लाउज है सेम वैसे ये भी है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं, बस इसमें मैंने ना यहाँ पाइपिंग डलवाई है, वी ये भी है, बस इसमें मैंने यहाँ पाइपिंग डलवाई है। पाइपिंग से ना इसका लुक काफी ज्यादा इनहेंस होके आ रहा है। और
ये मैंने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग और करवाया है। यहाँ आप देख सकते हो, आप अगर बारीकी से देखोगे तो आपको लगेगा, ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे ना थोड़ा सा कर्वी टाइप का हुआ है, ये बैक में ये देख सकते हो आप, ये और बीच में इसका हुक है। तो इसका थोड़ा सा वो पहले वाले बेलबेट वाले की तरह सेम, बस यहाँ थोड़ा यहाँ नीचे मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब चलते हैं फोर्थ ब्लाउज की तरफ, वो है ये मेरी ग्रीन कलर की प्लेन साड़ी है, इसका ब्लाउज है ये, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी जो स्लीव्स है ना वो ये यहाँ तक आती है, एकदम नीचे तक भी नहीं है, इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब जो अभी तक ब्लाउज का डिज़ाइन दिखा है उससे थोड़ा नीचे यहाँ तक आता है। और ये परफेक्ट स्लीव्स लगती है मुझे, ऐसे टाइप की स्लीव्स, ये है आगे बोटने का प्लेन। बैक की डिज़ाइन दिखाऊँ, ये है इसकी, सॉरी गिर गया, ये है इसकी बैक की डिज़ाइन। यहाँ मैंने एक अलग से बटन लगवाए है डिज़ाइनर, और इसको फंसाने पे से लूप बनवाया हुआ है, और यहाँ हल्का सा आप देख सकते हो, हल्का सा ऐसे खुला हुआ सा डिज़ाइन है, और नीचे हुक है, और इसकी भी ना नीचे मैंने उसकी तरह ही देखी है, आप हल्का सा कर्वी बनवाया है यहाँ। ये पहनने के बाद ना इसकी डिज़ाइन प्रॉपर एनहांस होकर दिखती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने लास्ट ब्लाउज का डिज़ाइन है, ये भी मैंने अलग से थान में से कपड़ा लेके सिलवाया हुआ है। मेरे पास एक दो तीन पिंक कलर की साड़ियाँ उसके साथ इसको पहनने के लिए, मुझे इसका ना ये जो इसमें बीच बीच में आप देख सकते हो ये डिज़ाइन फ्लावर वाले बने हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और अभी खुला हुआ है इसको मैंने। ये भी जो मैंने फ्रंट जो आपको ग्रीन कलर की साड़ी दिखाई है ना, समथिंग वैसा ही है ये भी। इसके ना बस गले पे पोटली नहीं दिखेगी आपको, और बाकी आपको ये ऐसे पोटली की डिज़ाइन अलग से बनवाई हुई है, पूरा बंद सा है ये भी गला, आगे पीछे दोनों, हल्का सा वी, हल्का सा ऐसे कटिंग टाइप का वी बन के पूरा पोटली की डिज़ाइन है, और प्रॉपर पूरा पैक है ये, आप देख सकते हो। छोटी छोटी इसमें ना मैंने पोटली बनवाई है, हल्की हल्की सी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी लगती है पहनने के बाद, इसका लुक ना एकदम प्लेन साड़ी को भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करके ये दिखाता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। सो, इसका मैं पार्ट टू जल्द ही अपने वीडियो पे अपलोड करूँगी, तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।